अस्सलाम वालेकुम। जाम मस्जिद दिल्ली कल से हेडलाइंस में भी है और सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी वजह से ट्रेंड भी कर रही है। किस वजह से, इस पर हम आज बात करेंगे। कल जाम मस्जिद दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जाम मस्जिद की गेट्स पर बोर्ड्स लगाए गए, जिन बोर्ड्स पर ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर अकेली औरत का या अकेली औरतों का ना सख्त मना है। अकेली औरत या अकेली औरतों से क्या मुराद है कि वो अपने वालिद के साथ आ सकती हैं, भाई के साथ आ सकती हैं, हस्बैंड के साथ आ सकती हैं या किसी क्लोज रिलेटिव के साथ आ सकती हैं। अब इस पे जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ, फिर जाम मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात देखते हुए यू टर्न लिया। जाम मस्जिद के जो इमाम हैं अहमद बुखारी साहब, वो आए क्लेरिफाई करने के लिए। उन्होंने आकर ये कहा कि ये मिसकम्युनिकेशन है, जो भी रीज़न है उसकी वजह से ये मसला हो गया। अदरवाइज़ अकेली औरत भी मस्जिद में जा सकती है, औरतें भी जा सकती हैं मस्जिद में ग्रुप्स में, मगर फ़र्क ये है कि वो वहाँ पर अगर नमाज़ पढ़ने जाना चाहती हैं तो उनको किसी भी तरह का कोई बैन नहीं है। मगर साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं थे। एक जाम मस्जिद जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उसके इमाम को ये चीज़ें इस तरीके से नहीं कहनी चाहिए थी जिस तरीके से उन्होंने कही। फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये कहा कि हमें कंप्लेंट्स मिली थी, और कंप्लेंट्स ये मिली थी कि वहाँ पर जो है वो लड़के लड़कियाँ हाथ में हाथ डालकर चलते हैं और लवर्स पॉइंट बना के रखा हुआ है, और औरतें जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड से रोज़ लेने के लिए, या लड़कियाँ जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स को मिलने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जो जाम मस्जिद में कभी गया है या गई है उनको मालूम है कि इस तरह की हरकतें वहाँ पर होती हैं। अंदर जाके आपको महसूस नहीं होता कि आप एक ऐसी जगह पे हैं या लवर्स पॉइंट पे हैं या जामा मस्जिद में हैं। हर जगह की अपनी अपनी सेंक्टिटी होती है। आप गुरुद्वारे में जाएं, वो आपको गुरुद्वारे के अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे अगर आपने सर कवर नहीं किया होगा। तो वो वहाँ की जगह की सेंक्टिटी है, डेकोरम है, उसको मेंटेन करना चाहिए। कोई भी शख्स जाए, ख्वा वो उस रिलीजन से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो, सिमिलरली मस्जिद का अपना डेकोरम है, उसके अपने जो है वो सेंक्टिटी है, उस सेंक्टिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि जामा मस्जिद के अंदर नहीं किया जा रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि उसको रेगुलेट किया जाता, उसको उन चीज़ों से अवॉइड किया जाता, रैदर देन आपने एक जेंडर को स्पेसिफाई कर उसको इल्ज़ाम दे दिया। ये प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जांपल, जब आप ये कहते हैं इमाम साहब कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं, तो आपको ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि बॉयफ्रेंड्स भी मिलने के लिए आते हैं, है ना। जब आप ये कहते हैं कि लड़कियां रोज़ लेती हैं लड़कों से, तो आप ये भी तो देखें, लड़के रोज़ दे रहे हैं। तो अगर उस जगह पे लड़कियों का रोज़ लेना या गर्लफ्रेंड्स का बॉयफ्रेंड से मिलना अलाउड नहीं है, तो बॉयफ्रेंड्स का गर्लफ्रेंड से मिलना भी अलाउड नहीं है। लड़कों को रोज़ देना भी सही नहीं है। अगर लड़कियाँ लड़कों के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रही हैं, तो लड़के भी तो लड़कियों के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। तो होना ये चाहिए था कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल कपल्स हैं, विच इज़ हराम इन इस्लाम, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, आपने उन कपल्स की एंट्री को बैन करना चाहिए था, रैदर देन मेकिंग इट ए विमेन विमेन प्ले। दूसरा मसला ये है कि जामा मस्जिद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, है ना। वहाँ पर सिर्फ मस्जिद है और हिस्टोरिकल मस्जिद है। वहाँ पर सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से, अदर कंट्रीज से भी लोग आते हैं वहाँ पर जामा मस्जिद को देखने के लिए। मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। वहाँ पर जो है जो वहाँ के वाशरूम्स हैं, वो अगर कोई जाना भी चाहे तो उनसे पैसे लिए जाते हैं। यानी कि मस्जिद है, इस चीज़ को समझें कि मस्जिद इज़ ए सेंटर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम। कोई भी शख्स गैर मुस्लिम जब भी उस मस्जिद में आए, तो वो वहाँ से ये लेके जाता है कि यार मुस्लिम्स ऐसे होते हैं। एक तो पहले से ही जिन हालात में हम रह रहे हैं उसमें देर इज़ दिस ह्यूज गैप बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। तो अगर ये कुछ स्पेसेस है जहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है मुस्लिम कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली इस्लाम को, टुवर्ड्स अदर पीपल जो फॉरेन से भी आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से, हर जगह से, तो उनके लिए वहाँ पे नो इस्लाम कॉर्नर्स होने चाहिए, KNOW, नॉट NO, नो इस्लाम कॉर्नर्स होने चाहिए, ताकि अगर कोई पूछना चाहे उनको पता तो चले कि इसकी हिस्ट्री क्या, मस्जिद क्या होती है, इस्लाम क्या होता है, इस्लाम क्या कहता है, फिर जाकर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बिहेव करें अच्छे से। मगर ऐसा कोई भी हमने कॉर्नर वहाँ पर नहीं देखा है, कोई भी हेल्प डेस्क हमने वहाँ पर नहीं देखा है, सफाई का खास ख्याल नहीं रखा जाता है। आसपास के हालात अब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था जो नहीं रखा गया। और वो लोग जो इस पे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ टेक ऑफ इस्लाम ऑन द वुमेन इन मास्क, तो इस पे बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। रिसेंट किताब लिखी है ज़ियाउस सलाम साहब की, वुमेन इन मास्क, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की अहदीस है उनको भी देख सकते हैं। देर इज़ नो सच एज रिस्ट्रिक्शन। वीमेन जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकती हैं जिस तरीके से मर्द पढ़ सकते हैं, उनके लिए अलग जो है स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, और हर मस्जिद में स्पेसिफिक प्लेसेस होनी चाहिए। इस पर भी जो है वो बाकी कंट्रीज़ में तो अलाउड है, अलाउड क्या है, बाकी कंट्रीज़ में तो पर्टिकुलरली कॉर्नर्स और स्पेसेस होते हैं जहाँ पर वो नमाज पढ़ती हैं। इंडिया पाकिस्तान में ये कुछ मसले चल रहे हैं और ये हिस्टोरिकल कुछ रीज़न्स हैं इसके, जिसकी वजह से आज भी इन चीज़ों को बैक टू प्रॉफिट्स फीट ले जाने में मसले क्रिएट हो रहे हैं। बट दे आर फ्यू पीपल हु आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। वी विल मीट विद अनदर टॉपिक नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।